हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज हम एक इंटरेस्टिंग केस करते हैं और ये मेडिसिन थोड़ा डिफरेंट है। शायद मैंने तो अपनी प्रैक्टिस में सिर्फ 3 बार ये मेडिसिन यूज़ किया है, ठीक है, और तीनों बार मेडिसिन ने बहुत परफेक्टली हिट किया है पेशेंट के अंदर। मतलब सिमिनिमम 3 बार मेडिसिन का ये रहा है कि पेशेंट को देने के बाद पेशेंट में बहुत अच्छे से रिजल्ट मिले हैं और पेशेंट ठीक हो गया है। तो मैं आपको एक केस उसमें से शेयर करता हूँ दिस मेडिसिन का, ठीक है। एक लेडी मेरे पास आई, ठीक है, उसको एक तो ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम था और उसको ना मेंसेस के होने के बाद 12वें 13वें दिन पे उसको 12 या 13 दिन पे उसको सीवियर एब्डोमिन पेन होता था। सीवियर मतलब वो 2 दिन उसके लिए बहुत पेनफुल कंडीशन रहता था। उसके लिए वो 2-3 बार एडमिट हो चुकी है और हर महीने का यही कहानी है उसका। मतलब हर महीने के उसको 12th और 13th डे को उसको प्रॉब्लम्स होती थी। सो और उसको ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम कंटिन्यूस था, ठीक है। उसकी वजह से उसको बैक पेन होना, ठीक है, उसके पैर में वीकनेस, बदन में सुस्ती नहीं रहना, ठीक है, मतलब एनर्जी नहीं लगना, ये सब वीकनेस की तकलीफ लेके अपने हस्बैंड के साथ आए। सो मैंने उसको बोला कि ठीक है, मैंने हस्बैंड को बाहर बिठाया और फिर मैंने वो लेडी से पूछना चालू किया कि क्या दिक्कत होती है। तो उन्होंने बताया कि सर मुझे ये तकलीफ़ होती है, मुझे दर्द होता है 12वें 13वें दिन, हर महीने के 12वें 13वें दिन मेरे को पेन होता है एब्डोमेन में, बहुत सीवियर होता है कि मतलब मैं उस समय मैं मेरा सब काम एकदम रुक जाता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ होती है उस समय कि मेरा मतलब मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ डॉक्टर साहब। मतलब एकदम टोटल इतना पेन होता है कि मैं 2-3 बार तो इतना सीवियर हुआ है कि पेन किलर भी काम नहीं किया और मुझे एडमिट होना पड़ा है, इंजेक्शन लगाना पड़ा है 1 दिन के लिए, फिर रह के, फिर मुझे 2 दिन रह के फिर मुझे घर पे आना पड़ा है। तो इतना पेन होता है और हर महीने का ये है। तो मुझे उसमें बहुत बहुत गुस्सा आता है क्योंकि मेरा सब काम, मतलब 2 दिन पूरा काम मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मेरा ठीक है, और बोले और कोई दिक्कत नहीं सर, मतलब और तो कोई परेशानी नहीं, बस एक ही यही चलता रहता है मन में कि मतलब हस्बैंड मतलब मेरे घर में मतलब मेरा कोई वैल्यू नहीं करता। तो मैंने बोला वैल्यू नहीं करता मतलब मैं कोई बात बोलती हूँ तो उसको मतलब इन लोग मजाक में उड़ा देते, मतलब मेरा कोई यही नहीं है कि मैं कुछ बोलूँ और उसको उन लोग फॉलो नहीं करते। जब फॉलो नहीं करते तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे इंसल्ट फील होता है कि मैंने बोला और आपने किया क्यों नहीं। तो मैंने बोला कि ठीक है ना, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते होंगे तो उससे आपको बुरा लगने की क्या बात है, ठीक है, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया। नहीं डॉक्टर साहब, मगर वो मैं चाहती हूँ कि वो मेरा बात माने, जो मेरा बात नहीं मानते हैं। तो अभी हमारा देखिए हस्बैंड का मेरा झगड़ा हो गया है इसी बात को लेके कि मैं पिछले उनसे 1.5 महीना हो गया मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ। अभी भी मैंने तकलीफ़ था, मुझे इतना दर्द हो रहा था, मैंने उनको एक बोला ही नहीं, मैं खुद ही दर्द सह रही हूँ कि मैंने कुछ उनको बोला ही नहीं कि मेरे को दर्द हो रहा है, मुझे बोलना ही नहीं है। तो मैं 1.5 महीने से बात नहीं कर रही हूँ। मैंने बोला 1.5 महीने से आप बात नहीं कर रहे हो क्यों? ये टॉपिक पे मैंने उनके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था तो मैंने बोला कि आप इस तरीके से बात करो, इस तरीके से ये काम करो कि आपका ऑफिस का काम हैंडल हो जाए। तो हस्बैंड तो कोई सुनते नहीं, तो फिर मुझे बहुत इंसल्ट फील होता है कि फिर मैं क्या करूँ। तो इसलिए बात भी मेरा झगड़ा हुआ, फिर मैंने उनसे बातचीत बंद कर दिया। अभी मुझे पिछले 8 दिन से मुझे तकलीफ़ हो रही है, बैक पेन हो रहा है, मुझे इतना वाइट डिस्चार्ज जा रहा है, तकलीफ़ हो रही है, मैं दर्द में भी हूँ मगर मैं उनको बोल नहीं रही हूँ कि मुझे दर्द है। तो मैंने क्यों बताना चाहिए ना दर्द है, तो नहीं डॉक्टर साहब मैं नहीं बताऊँगी, मैं क्यों बताऊँ उनको। तो मैंने बोला ठीक है, और कुछ? बोले और कुछ नहीं सर, बस यही तकलीफ़ है। जैसे ही 8वां 10वां दिन चालू होता है तो मुझे बहुत घबराहट होने लगती है कि अभी ये दर्द फिर आने वाला है, और फिर मेरे को फटाफट मैं फिर वो पेन किलर जो दिया रहता है मैं 10वें दिन खा लेती हूँ और फिर मुझे अंदर से लगता है कि अभी ये पेन बढ़ेगा और फिर तकलीफ़ होगी, फिर ये होगा। मतलब पहले से ही मतलब मन में एकदम घबराहट सी चिंता चालू हो जाती है पेन को लेके, ठीक है, कि अब ये होगा, अब दर्द होगा, ऐसा दर्द होगा, वैसा दर्द होगा, तो कंटिन्यूसली वो विचार आने लगता है और वो सोच सोच के मैं और घबराने लगती हूँ। सो मैंने बोला ठीक है, और क्या दिक्कत होती है? बोले और सर ये वाइट पानी, वाइट डिस्चार्ज जाने का तकलीफ़ तो जा ही नहीं रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है सर। तो इसके लिए मैंने बहुत दवा किया बट ये भी नहीं जा रहा है। मेरा बैक पेन बहुत होता है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है बैक पेन की, उठना बैठना मतलब काम करने में भी बहुत दर्द रहता है। सो मैंने बोला क्या चिंता होती है? सर चिंता कुछ नहीं होती सर, बस ये मेरा ये वाइट डिस्चार्ज और निकल जाए, और ये जो मेरा 12वां 13वां दिन का जो टेंडेंसी चल रहा है पिछले कितने सालों हो गए कि डॉक्टर साहब ये मतलब चल ही रहा है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है कि हर 12वें 13वें दिन मुझे पेन होता है। सो मैंने बोला ठीक है, काम कीजिए, आप हस्बैंड को भेजिए, आप बाहर बैठिए।
सो मैंने इसको बिठाया, मैंने इसका पॉइंट ऑफ व्यू जाना कि तो मैंने एक्चुअली आपको सिर्फ उस पेशेंट का नहीं सुनना है, आपके उसके रिलेटिव का भी सुनना है, उसके हस्बैंड का भी सुनना है कि क्या ये जो बोल रही है ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, क्यों बोल रही है, इसके पीछे कितना ट्रूथ है, आपको उसके हस्बैंड से जानना होगा या उसके क्लोज से जानना होगा कि आखिर इसका क्या नेचर है, ठीक है। तो मैंने उसके हस्बैंड को बुलाया तो मैंने बोला कि क्या दिक्कत होती है, मतलब क्या है, कैसा है नेचर। बोले सर नेचर बहुत ये है, मतलब एक बार मतलब ये है कि बहुत ईगो बहुत रखती है, कि मतलब अपनी ही बात मनवाने की ज़िद रहती है। अभी हमारा देखिए 1-1.5 महीने से बातचीत बंद है, मैंने कितनी बार कोशिश की मगर फिर भी ये एकदम मतलब करना नहीं है ऐसा, तो मेरे क्या बात हुआ। बोले सर मेरा ऑफिस का प्रॉब्लम है, मेरा ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, 4 लोग मिलके मेरे पे मतलब ऐसा मेरे को टारगेट कर रहे हैं कि उनको मतलब मैं उनको हैंडल करता हूँ, वो चाहते हैं कि मुझे इस यहाँ से निकाल के ट्रांसफ़र किया जाए और उन लोगों पॉलिटिक्स उसमें खेल रहे हैं। तो मैं बोला यार ये मेरा मैटर है, इसको तुझे तू कैसे बता सकती ना क्या राय देगी। तो सजेशन उसने सुना मगर अब वो उस पर लागू नहीं कर सकते ना, वो मुझे पता है कि मुझे कैसे हैंडल करना है और वो ऑफिस का काम है, तो ये चाहते कि ये जो बोल रही है वो होना ही चाहिए ऐसा, मतलब इसकी बात मानूं मैं और वो जाके करूं, तो पॉसिबल नहीं होता ना सर अकबर। और ये हर किसी को राय देती है, मतलब हर किसी को जाके बिना मांगे सजेशन देती है, इसको लगता है कि सब इसके सजेशन फॉलो करेंगे बट हर कोई फॉलो नहीं करता है, और ये हर बार उससे उसको बहुत बुरा लगता है और इंसल्ट फील होता है, उसको चिड़चिड़ होती है कि मेरी बात नहीं सुनते, ये मेरी बात नहीं मानते, मुझे सजेशन मांगते हैं फिर करते नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है तेरा सजेशन का देने का काम है, करे ना करे वो कोई मैटर नहीं करता ना, ज़रूरी थोड़ी कि तुझसे पूछा हो तेरा वो वही करे जो तूने बोला है। तो मगर इसको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करने लगती है, मतलब कोई बात का इशू नहीं रहता है, ठीक है, कोई बात का इशू रहता नहीं है। घर में हर चीज़ को लगता है कि इसके हिसाब से फॉलो करो, ये हर चीज़ को डिक्टेट करती है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं। तो मेरा बेटा इससे तंग आ गया, मतलब इसका इतना ज़्यादा ये रहता है दबाव रहता है कि ऐसा नहीं करने का, ऐसे बैठने का, मतलब खाने का नहीं, ऐसा नहीं रखने का, हर चीज़ में मतलब पॉइंट ऑफ व्यू करना। तो मैंने बोला ठीक है और कुछ? बोले बस यही है सर, बस इसका पेन होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, तो 2 दिन तो इसके लिए बहुत हालत रहती है, हमें 2 हॉस्पिटल भी जाना पड़ गया। तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं एक दवा देता हूँ, ठीक है दवा देने के बाद और मुझे बता देना है, ठीक है। सो मैंने मेरे दिमाग में 2 मेडिसिन चल रही थी, ठीक है, एंड उसने हस्बैंड ने बोला सर इसको तकलीफ तो 1 हफ्ते से वो अलग अलग तरीके से मुंह बना रही है, मगर वो इतनी ज़्यादा ये है कि वो ये नहीं बोल रही है कि मुझे दवा खाने ले चलो, मुझे दर्द है, मुझे तकलीफ़ है, क्योंकि बातचीत बंद है एंड वो मतलब बोलना ही नहीं चाहती है, इतना ज़्यादा ये है। तो मैंने बोला ठीक है कि हमको दिख रहा है कि तकलीफ़ है, उसको भी समझ में आ रहा है तकलीफ़ है, मगर वो खुद नहीं होके बोल रही है कि मुझे तकलीफ़ है, ठीक है। तो मैंने बोला चलो मैं दवा देता हूँ और पेन मुझे बताइए। मैंने मेरे दिमाग में 2 मेडिसिन थी, तो मैंने इसको बहुत ईजिली कंक्लूड कर लिया एक रूब्रिक से जो बार बार बोल रही थी, ठीक है। पहली बात तो आपको रूब्रिक समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सिंपल रूब्रिक हम बात करेंगे, ईगोटिज़म सिंपल, ठीक है। और उसको लगता है ही वॉज द सुपीरियर ऑफ द फैमिली, उसके हिसाब से होना चाहिए, डिक्टेटोरियल ईगोटिज़म, ठीक है। ही थिंक कि वो जो बोल रही है ना वो सही है और उसको आपको अमल करना है, जबकि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप जो बोल रहे हो वो सही, बट हॉटी है ना, ईगोटिज़म है, हॉटी। हॉटी मतलब क्या होता है, एक ईगो से ऑब्स्टिनिटी से भी थोड़ा सा ऊपर, मतलब अपनी ही मनवाना, मतलब मैं ही जो बोल रही हूँ वही करो, ठीक है। 1-1.5 महीना हो गया हॉटीनेस के चक्कर में, ईगो के चक्कर में 1.5 महीने से बात नहीं की हस्बैंड से, सोचिए दर्द है तो भी नहीं बोल रही कि मुझे दवा खाना दवा जाना है, दर्द में यहाँ वहाँ पलटी मार रही है, छटपटा रही है, मगर तो भी नहीं बोल रही, हॉटीनेस, ठीक है। ईगोटिज़म, सुपीरिटी, उसके हिसाब से ही चलना चाहिए, डिक्टेटोरियल, ठीक है, सुपीरियर ना, अपने आप को सुपीरियर समझती सबको, ठीक है। तो उसको लगता है मैं सुपीरियर हूँ तो एवरीवन शुड फॉलो माय वर्ड्स, माय इंस्ट्रक्शन, माय ऑर्डर, बट ज़रूरी नहीं है। तो इरिटेबिलिटी आ जाती है, उसको लगता है कि यार बात नहीं, मेरा से सजेशन लेते हैं वो मुझसे फॉलो नहीं करते, तो यू लोजन इंसल्टेड ही इज़,
ठीक है, ही इज इंसल्टेड, उसको बुरा लग जाता है, इरिटेबिलिटी, ठीक है, टेक एवरीथिंग इन अ बैड पार्ट, हमारे पास रूबरिक है, हर चीज़ उसे लगता है बुरी तरीके, मतलब छोटी बात है ना, इरिटेबिलिटी, हर चीज़ उसको चिड़चिड़ापन करती है, हर चीज़ को नेगेटिव में ले लेती है, ठीक है, क्वारल सम कॉजलेस, कुछ छोटी छोटी बात पे, मतलब बिना कोई रीजन के वो झगड़ा कर बैठती है, ठीक है। तो ये सारे रूबरिक्स है, और उसने क्या बोला कि दर्द होता है ना तो मेरा काम रुक जाता है, ठीक है, दिस इज इंटरप्शन, मतलब ऑन गोइंग प्रोसेस, दसवें दिन तक काम अच्छा चल रहा है घर का, दो दिन उसका काम रुक जाता है, एंड ही गेट इरिटेटेड, गुस्सा आ जाता है ना, एंगर इंटरप्शन फ्रॉम, ठीक है, एंगर फ्रॉम इंटरप्शन, इंटरप्शन मतलब प्रोसेस में चल रहा काम में रुकावट दो दिन का है, जबकि आपको पता है कि दो दिन बाद उसका काम फिर से रिज्यूम होगा, पेन चला जाएगा तो, बट दो दिन की रुकावट उसे गुस्सा क्रिएट करती है, उसका माइंड डिस्टर्ब करता है, दिस इज एंगर फ्रॉम इंटरप्शन, ठीक है। एंड और तो ये सब जो मैं रूबरिक डाल रहा था, तो मेरे दिमाग में प्लैटिना बहुत चल रहा था, ठीक है, तो मैं सोच रहा था प्लैटिना प्लैटिना, क्योंकि ये हस्बैंड को बोल भी नहीं रही है दवा लेने के लिए, और मुझे लग रहा था ये श्रीकिंग हेल्प है, ठीक है, हॉटीनेस है, ईगोटिज्म है, डिक्टेटोरियल है, सुपीरियर है, ठीक है, सारे चीज़ जो है ना, जो एंटिसिपेशन है, मतलब आठवें दसवें दिन उसको पता चल जाता है कि पेन अब होने वाला है, उसको घबराहट होती है, एंजाइटी फ्रॉम एंटिसिपेशन, चिंता होने लगती है, ठीक है, कि दर्द अब आने वाला है, और डेली क्या है ना, हर महीना उसको फेस करना है, ठीक है, तो यहाँ फियर पेन फियर सफरिंग तो हर महीना तो वो हर चीज़ से झूलती है, यहाँ क्या हो गया, आठवें दिन से उसको एंजाइटी चली जाती है, चिंता घबराहट हो जाती है कि अब पेन आने वाला है भैया, तो एंजाइटी फ्रॉम एंटिसिपेशन। सो सारी रूबरिक जब मैं डाल रहा था तो इसको मुझे ना प्लैटिना भी बहुत क्लोज थी, और ये मेडिसिन प्लैटिना के बहुत क्लोज है, आपको इसको डिफरेंशिएट आप इजीली कर लोगे, दो तीन रूब्रिक से आप इससे डिफरेंशिएट कर लोगे, प्लैटिना वाज कमिंग वेरी क्लोज, मगर जो उसने बोला ना कि उसको आठवें दस ग्यारहवें बारहवें और तेरहवें दिन एब्डोमेन पेन होता है ना, तो मैंने एक फिजिकल में रूब्रिक ढूंढा, ठीक है, जिससे मुझे ये केस पूरा क्लियर हो गया। तो एक रूब्रिक है एब्डोमेन पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन पीरियड, ठीक है, सिंगल मेडिसिन है, ठीक है, एब्डोमेन पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन पीरियड में, मतलब ओवुलेशन पीरियड में जो एब्डोमेन पेन होता है 12वें 13वें दिन या ओवुलेशन पीरियड टाइम पे, उसमें सिर्फ सिंगल मेडिसिन है ग्रैनिटम मरवे, ठीक है। तो ये रूब्रिक जब मुझे मिला तो मेरा केस पूरा टोटली क्लियर हो गया, ग्रैनिटम मरवे एक रूब्रिक है जिसमें सिंगल मेडिसिन है ग्रैनिटम मरवे, और जी ये बहुत मिलती जुलती है हाँ प्लैटिना से, इसमें इन्फीरियर लोग, उसको लगता है कि लोग उससे वो सुपीरियर है, और लोग मेंटली एंड फिजिकली उससे इन्फीरियर है, जो कि प्लैटिना की क्वालिटी है ये, ठीक है, एंगर इंटरप्शन में प्लैटिना नहीं है, ठीक है, जो उसको वो फीलिंग थी, इरिटेबिलिटी टेक एवरीथिंग बैड पार्ट में आप देखोगे यहाँ भी आपको प्लैटिना मिलेगी, ईगो में भी प्लैटिना मिलेगी, सुपीरियरिटी में भी मिलेगी, हॉटीनेस में भी मिलेगी, इंसल्टेड में भी, शायद मुझे चेक करना पड़ेगा डिवीजन, इंसल्टेड में प्लैटिना नहीं है, बट शी इज फीलिंग इंसल्टेड, उसको लगता है कि वो सुपीरियर है, और जो वो सजेशन दे रही लोगों को, हर किसी को सजेशन उससे पूछती है वो बोलती, मगर हर कोई अमल नहीं करता ना, वो लोगों को पूछती कि था तुमने किया, मैंने जो बोला था वो किया, बट कोई नहीं करता ना, नहीं किया यार, नहीं हुआ वो वाला, मैंने सोचा फिर देखेंगे, एंड इसको बुरा लग जाता है, उसको इंसल्ट फील होता है, यार मेरी बात नहीं मानते इन लोग, ठीक है, तो उसको लगता है कि इसकी बात मानना ही चाहिए, डिक्टेटोरियल, हॉटिनेस, ठीक है, सुपीरियर। तो ये रूब्रिक मिलने के बाद मैंने उसे ग्रैनिटम मरवे दिया 30 पोटेंसी में 5 डोज, एंड उसके बाद उसका जो पेन था नेक्स्ट मंथ से उसका पेन, मतलब सिवियरिटी वॉज 50% लेस, मतलब इतना बेरेबल था कि उतना आज तक उसको कभी बेरेबल नहीं रहा, 50% उसको नेक्स्ट मंथ में जो पेन होता था वो काफ़ी कम हो गया। ये पेशेंट मेरे पास 6 मंथ रहा, 6 मंथ के बाद उसको नेक्स्ट मंथ सेकेंड मंथ से उसको पेन पूरा चला गया, धीरे धीरे करके वो पूरे तरह से 6 मंथ में उसको पेन का रिकरेंसी बंद हो गया, उसका लिकोरिया का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बैक पेन कम हो गया, वीकनेस कम हो गया, एंड 8 मंथ तक ऑलमोस्ट ऑन ऑफ रहा उसका फॉलोअप, उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट उसका बंद कर दिया। तो ग्रैनिटम मरवे देने के बाद वो पूरी तरीके से 30 देने के बाद, हाँ मैंने शायद बीच में एक ही डोज वापस से मैंने रिपीट किया था, शायद 6th मंथ में उसको बैक पेन हो रहा था, और उसके बाद मैंने उसको वापस से 2 डोज दिए थे उसी मेडिसिन के 30 के, एंड उसके बाद रिपीटेशन मैंने नहीं किया, एंड उसके बाद वो केस ठीक हो गए। तो ग्रैनिटम मरवे, दिस इज़ न्यू मेडिसिन फॉर यू,
तो ये मेडिसिन पे आप सोचिए, बहुत आप जब हम प्लेटिना सोचते हैं ना तो बहुत क्लोज आती है ग्रेनिटा मर में आपके, इसके बारे में दिमाग में सोचना ये मेडिसिन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे रूब्रिक्स जो है प्लेटिना के ग्रेनेटम मरवे के पास भी है, और बहुत और उसके डिफरेंशिएशन में बहुत सारे रूब्रिक्स है जहाँ आप इजीली उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। जैसे मेरे केस में डिलूजन इंसल्टेड जो प्लेटिना में नहीं कवर किया, इन एंगर इंटरप्शन था, ठीक है, बाकी सारे रूब्रिक्स को कवर कर रहा था, और जो सिंगल रूब्रिक मैंने पकड़ा एबडामिन पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन पीरियड, दिस इज सिंगल ग्रेनेटम मरवे। ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि आप फिजिकल पे भी दे सकते हो, ठीक है, कि जहाँ उसको ओवुलेशन पीरियड में पेन होता है, ठीक है, और उस टाइम आप इसको ये मेडिसिन आप इसको दे सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हम न्यू मेडिसिन हमने आज लर्न किया है विद न्यू रूब्रिक्स के साथ, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।